الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل اني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي الصيام لي وانا اجزي به والحسنه بعشر امثالها अवकमक सलामाम हमदलातलाम के बाद सामाइन महतरम नजरिन कराम जल्लाशान का अजीम एहसान और करम उम्म महमदिया आल सलासम पर एक ये है कि अल्लाजल्ला शाह नु ने हमें बारह महीनों में से वो एक महीना ऐसी आता फरमाया जिसे माह मकानबारक कहा जाता है ये माह मकानबारक बड़ी फजीलत और आज़मत वाली महीने मुबारक है आइए हम सुनते हैं कुरान क़ुर अज़ीमशानदीसी मुबारक मुहदसिन के राम मरदुआल्ल तलीम अजमाइन के अकवाल मुबारक और आसार माह मुबारक की फ़ीलत के हवाले से हमें क्या कहते हैं मुबारक की आज़मत और शान क्या है ماه رمضان المبارك کی خیرات اور برکات کیا ہے قرآن عظیم الشان میں اللہ جل وعلا شانہو نے ارشاد فرمايا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إيمان ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजे रखना फर्ज किया गया था ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ रोजा का लगवी माना क्या है और असलाही माना क्या है किसी चीज से रुकना और उसे तर्क करना ये रोजा का लघबी माना है और शर्य माना रोजे का मुक़ल्लफ और बालग शख़्स का सवाब की नियत से तलु फजर से लेकर गरूबी आफ्ताब तक काने पीने और जमा को तर्क करना और अपने नफ्स को तकवा के हसूल के लिए तैयार करना ये शर्यी और इस्तिलाही तारीफ है रोज़े का तमाम अदियान और मिलल में रोज़ा जो है वो मरूफ है क़दीम मिस्री, यूनानी रोमन और हिंदू मज़हब सब के सब रोज़ा रखते थे मौजूदा तौर में भी रोज़ादारों की तारीफ़ का जिक्र है और हज़रत मुसा सलाम का चालीस दिन रोज़ा रखना साबित है यूशलम की तबाही को याद रखने के लिए यहूद उस ज़माने में भी एक हफ़्ता का रोज़ा रखते थे इसी तरह मौजूदा इंजीलों में भी रोज़ा को इबादत करार दिया गया है और रोज़ादारों की तारीफ़ की गई है इसलिए अल्लाह ने फ़रमाया है कि जिस तरह तुम से पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज किया गया था यानि कि माकुतब अल्लादीन मिन कबल कम इसी तरह तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है ताकि मुसलमानों को रोज़ा रखने में रुबत हो क्योंकि जब किसी मुश्किल काम को आम लोगों पर लागू कर दिया जाता है तो फिर वो सहल और आसान हो जाता है सबसे पहले नमाज फ़र्ज की गई फिर ज़क़़त फ़र्ज की गई उसके बाद रोज़ा फ़र्ज किया गया क्योंकि इन अहकाम में सबसे सहल और आसान नमाज है इसलिए अल्लाह जल्ला शाह नू ने उसको पहले फ़र्ज़ किया गया फिर उससे ज़्यादा मुश्किल और दुशवार ज़क़ात है क्योंकि माल को अपनी मिल्कियत से निकालना इंसान पर बहुत शाक होता है फिर उसके बाद उससे ज़्यादा मुश्किल इबादत रोज़ा को फर्ज किया गया क्योंकि रोज़ा में नफ्स को खाने पीने और आमली तजवीज से रोका जाता है और ये इंसान के नफ्स पर बहुत शाक और दुशवार है अल्लाह ने अपने हिकमत से बतदरीज अहकाम शरिया नाजिल फ़रमाई और इसी हिकमत से रसूलुल्लाह अलैहि रसूल सल्ला वसम ने अरकान इस्लाम में नमाज़ और ज़क़़़ के बाद रोज़ा को ज़िक्र फरमाया फरमायान मजीद में भी इस तरतीब की तरफ इशारा है अल्लाह अल्लाजल्ला शानों ने इरशाद फरमाया वल वल वल्खाशात वल वलमत वल इमीन वस्वा इमात और नमाज में खुश करने वाले मर्द और नमाज में खुश करने वाले औरतें और, और सदक़ा देने वाले मर्द और सदक़ा देने वाले औरतें और, और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाले औरतें अदीसी मुबारक में इसकी बड़ी फजीलत आई हुई है कुरान अजीम शान की दूसरी आयाती मुबारक जो कि रोज़े के, के मुतल है अल्लाह जला शाह नु ने सुर बकार में ارشاد فرمايا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلُتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان هنا جسم القرآن نازل كياجيا هدى للناس لوگوں کو هداية ديني والا وبينات من الهدى والفرقان اور روشن دليل هداية ديني ولي. और हक और बातल में फैसला करने वाली फमन so शहीद तुम में से जो शख्स इस महीने में मौजूद हो वो जरूर इस माह के रोजे रखे अमन क्या मरीदिन उखर और जो मरीद या मुसाफिर हो और रोजे ना रखे तो वो दूसरे दिनों से मतलूबा आदत पूरा करे बिकुमुल युसरा वला वाला बिकुमुल उसरा अल्लाह ताला तुम्हारी आसानी का इरादा फरमाता है और तुम्हें मुश्किल में डालने का इरादा नहीं फरमाता वली तुक मिलता और ताकि तुम मतलूबा आदत पूरा करो और अल्लाह तबिरियाई बयान करो कि उसने तुमको हिदायत दी है और ताकि तुम शुक्र अदा करो अल्लाका इमाम इस आयत मुबारक के नीचे तफसरी कबीर में जिल नंबर दो सफ़ा नंबर एक सौ इक्कीस मतबू आदार्फ़िक्र बरूथ में इमाम राजी इसकी तफसर में इर्शाद फरमाते हैं इमाम मुजाहिद ने कहा कि रमबान अल्लाह का नाम है और रमदान के महीने का माना है अल्लाह का महीना और नबी करीम सल वसल्लम से रिवायत है ये ना कहो कि रमगवान आया और रमगवान गया बल्कि ये कहो कि रमगवान का महीना आया और रमगवान का महीना गया क्योंकि रमगवान अल्लाह ताला की तस्मा में से एक इसम है अल्लाह ता तामों में से एक नाम है दूसरा कौल ये है कि रमगवान का महीना कि रमगवान महीना का नाम है जैसे कि रजब और शाबान महीनों का नाम है खलील से मनकूल है रमदान रमगवा से बना है और रमगवा खरीफ की उस बारिश को कहती है जो ज़मीन से गुरदबार को दोड़ डालती है इसी तरह रमदान भी इस उम्मत के गुनाहों को दौड़ डालता है और उनके दिलों को गुनाहों से अल्लाह जल्ला शान माह रमज़ानुल मुबारक की रोज़ों की बरकतों से पाक कर देता है तीसरा कौल यह है कि रमजान रमद से बना है और रमद सूरज की तेज धूप को कहते हैं और इस महीने में रोजादारों पर भूख और प्यास की शिद्दत भी तेज धूप की तरह सख्त होती है या जिस तरह तेज धूप तेज धूप में बदन जल जलता है इसी तरह रमजान में गुनाह जो है वो जल जाते हैं और रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व मुबारक ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला के बंदों की बंदों के गुनाह को जला देता है रमज़ान के महीने में नजूल कुरान के इब्तिदा इस वजह से की गई कि शहर शाहरमदान लदी उनफी कुरान कि माह रमदान मुबारक वो महीना है जिसमें कुरआन को नाजिल किया गया रमज़ान के महीने में नज़ुल क़ुरान की इब्तः इस वजह से की गई कि अज़्ज़ा व वजल्ला का कलाम है उन इलाहिया हमेशा मुतजली और मुनकशिफ़ रहती है अलबत् बशरिया में उन अनवार के जहूर से हिजाबाती बशरिया मान होती है और हिजाबात बशरी के जवाल का सबसे कवि सबब जो है वो रोज़ा है इसलिए कहा जाता है सूफिया कराम फरमाते हैं कि कश्यप के, के हसूल का सबसे कवि जरिया जो है वो रोज़ा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बनी आदम के कलूब में शैतान ना घूमते तो वो आसमानों की निशानियों को देख लेते इससे मालूम हुआ कि क़ुरान मजीद में और रमजान में अज़ीम मुनासिबत है इसलिए कुरान का कुरान की इब्तिदा के लिए इस महीने को अल्लाजल्आला शाहू ने ख़ास कर लिया ये इमाम राजी तआला रही तफसीरी कबीर में शहरुरमदान लदीअनज़ल फ़ील कर्न हद नासीबी नात मिनल वालफुरान इस आयाति मुबारक के नीचे तफसर में शरह फरमाया है माह मगानबारक एक अजीम महीने मुबारक है इसकी आजमत और इसकी फ़ीलत हदीसी मुबारक में बहुत ज्यादा है बुखारी शरीफ में यह हदीसी मुबारक जिक्र है किताबोसों में हदीस नंबर एक हजार आठ सौ चौरानवे रवि सईदना अबूरे अक्रम मुबारक ने इरशाद फरमाया فلا फलायरफुस ولا يجهل रोजा डाल है पस कोई शख्स रोजे में फहश बातें ना करे ना जहालत की बातें करे व कातल हो अवशातम हो फलीकुल मरतने अगर कोई शख्स उससे जंग करे या उसको गाली दे तो उसको दो मरतबा कहना चाहिए कि मैं रोज़ादार हूँ और उस जात की कसम नबी करीम सलात वाम ने इरशाद फरमाया वल नफसी भी यदि ही

व शराब हूँ व शहवत मिन अजली असयामली व अना अजी बल हसन तब अशर अमसा लिहा वो बंदा व रोजादार अपने काने और अपने पीने को और अपने नफ्स की तकादों को मेरी वजह से तर्क करता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा और नेकी का अजर दस गुना होता है यानी अला जल्ला शाह ने इर्शाद फरमाया कि ये रोजादार बंदा इसने मेरे खातिर खाने को पीने को ख्वाहिशाती नफसानी को जो है इसने छोड़ दिया है तो लिहाजा इस रोजे की जो जजा होगा इसका जो सवाब होगा वो मैं आता करूंगा मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीसी मुबारक जिक्र है बुखारी शरीफ में भी यह हदीसी मुबारक जिक्र है इस हदीसी मुबारक में चंद अल्फाज मुबारक जो आई हुई है उसकी तशरीह की तरफ हम चलते हैं हदीसी मुबारक में नबी करीम सलातम ने इर्शाद फरमाया मुज़ुन्ना, रोज़ा जो है वो डाल है इमामी बदुरद्दीन आनी रद्ल तु गमद तुल्कारी में इस हदीसी मुबारक के नीचे लफ्ज जुन्नतुन के नीचे शरहा करते हुए लिखते हैं इस हदीस में जुन्नतुन का लफ्ज़ आया है और इसका माना है डाल जन के मादा से जो लफ्ज़ बनता है उसमें सतर पोशीदगी का माना पाया जाता है इसी लफ्ज से मिजन्न बना है उसका माना डाल है क्योंकि वो दुश्मन की हमले से मस्तूर और महफूज रखती है और इससे जन्नत है क्योंकि वो दरख्त के पत्तों से मस्तूर है और रोजा दोजख के अजाब से डाल है क्योंकि रोजा शहवत के तकाजों से रोकता है और दोजख शहवत के तकाजों से गिरी हुई है जैसे कि हदीस सहे में है सैदना हज़रतन बयान करते हैं कि اللہ اللہ ने फरमाया जन्नत तकलीफों से गिरी हुई है और दो जख से गहरी हुई है इस हदीस मुबारक को सुन तिरमिदी ने भी जिक्र फरमाया है मुस्लिम शरीफ में भी इस हादीसी मुबारक को नकल फरमाया है अलका इबिन आदी ने भी इस रिवायत को नकल फरमाया है कंजूर अम्माल में मुस्द अहमद में भी ये रिवायत जो है वो मशकूर है आलाम इबिन असिर रमतल तही लिखते हैं कि रोज़े के डाल होने का माना ये है कि रोजा रोजादार को इसकी उन शहवात को पूरा करने से बचाता है जिनसे उसको आजाब हो कादी रहमतुल्लाह कद रहत कहा, इसका माना है रोज़ा रोजादार को गुनाहों से बचाता है या दोजख के अजाब से बचाता है ये वो जुन्नतुन का माना है रफत का माना क्या है हदीसी मुबारक ये नबी करीम सलात ने बन फरमाया बस कोई शख रफत ना करे इसका माना है वह फ बातें ना करे रफस का इतलाक जिमा और उसकी मुकदमात बोस व किनार पर भी होता है जहल का माना यानि रोज़ा में जहालत के कामों की ममानात की ज्यादा ताकीद की गई है इस हदीसी मुबारक में ये मशकूर है और जहल ना करे इसका माना है कि वो अफआली जाहलीत में से कोई काम ना करे इन तआला तजीद तशरी आगे चलेगा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू वेलकम बैक उस हदीस मुबारक की तरफ चलते हैं जिसके बारे में हम अभी बयान कर रहे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजादार रोजे की हालत में जहालत के कामों से अपने आप को मना करें मसलन किसी को गाली ना दे या उसका मजाक ना कुरतुबी रहमतुल्लाह रहमत अलैहि ने कहा है इसका ये मतलब नहीं कि रोज़े के बगैर ये काम जायज़ है बल्कि इसका मतलब यह है कि रोज़े में जाहिलियत के कामों की ममानत ज़्यादा मदद है तीसरा इस हदीसी मुबारक में नबी करीमा सलाम ने इरशाद फरमाया फमसाबल्हिन के रोजादार का मुंह का जो बू होता है वो अल्लाह जल्ला अला शान बू को मुश्क और अंबर से भी ज्यादा महबूब होता है पसंद होता है अल्लाह ताला सूंघने से पाक है मुनजा है फिर रोजादार की मुंह की बू उसको मुश्क से ज्यादा कैसे पसंद है एक सवाल वारिद हो सकता है कि अल्लाह अल्ला जल्लाशानू तो सूँगने से पाक है तो इसका मकसद क्या है इसकी गरज क्या है तो मदसिन कराम मजमा में से आला माजूरी ने कहा कि इस हदीस में मजाज और किनाया है क्योंकि ये इंसान और हयावान की सिफत है कि वो अच्छी खुशबू को सूंग कर उनकी तरफ माइल होता है और बदबू को सूंग कर उससे मुतनफर होता है और अल्लाह सुबहाना हुआ था तो सूंगने से मुनजा है पाक है लेकिन हमारी आदत यह है कि हम अच्छे खुशबू को अपने करीब करते हैं इसी तरह इस हदीसी मुबारक में रोजादार की मुंह की बू को पसंद करने से उसको करीब करने का किनाया और इस है यानि अल्लाह जल्ला आला शान उस रजेदार को अपनी तरफ करीब करता है यानी अल्लाह जल्द आला अल्ला शान आसान अल्फाजों में उसको अपना करीब कर लेगा और आखिरत में उसको जजा देगा और अल्लाह जल्ला आला अल्ला शान उससे राजी होगा और उस बंदे की शनाए जमील फरमाएगा और उसको सवाब अजीम आता फरमाएगा दूसरा कौल यह है कि फरिश्तों को रोजादार की मुंह की खुश खुशबू या बू मुश से मुश्क से ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि फरिश्तों को खुशबू से राहत मिलती है अल्लामा आलाम बघवी आलामा इबनबी अल्लामा इबन अल्लाम साबुनी सुमानी वहीम ने यह कहा कि रोज़ादार की मुँ की बू की पसंदीदा होने का माना ये है कि अला जला शान की जनाब में उसका रोज़ा मकबूल है रहमतुल्लाह इनी रहम्ल लिखते हैं कि हमारे शेख रहमतुल्लाह तआला ने कहा क्याज़ुलद्दीन बिन अब्दुलसलम के नज़दीक रोज़ादार की मुँह से मुश्क से अच्छी खुशबू आना आखिरत पर महमूल है जैसे शहीद के खून के मुतल हदीसी मुबारक में है कि उसकी खुशबू मुश्क की तरह होगी और उनके इस्तदलाल इस, इस हदीसी मुबारक से है मुस्लिम शरीफ में हदीसी मुबारक का है नबी करीम सलातलम नेरशाद फरमायात की कसम जिसके व वकुदरत में सईदना मोहम्मद की जान है रोजादार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक क्यामत के दिन मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा होगी और शेख तकी इब्न सलाह के नज़दीक ये खुशबू दुनिया की खुशबू पर महमूल है और उनके इस्तदलाल इस, इस हदीसी मुबारक से है और रोज़ादार के मुंह की बू जब वो तमाम को छोड़ता है वो अल्लाह ताला की नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा होती है इमाम इबुलद्दीन आइनी रदुअल्लाहू इस हदीसी मुबारक की इन इनफाजी मुबारक के शरह में लिखते हैं इससे कोई चीज़ माने नहीं कि उसके मुँह से ये खुशबू दुनिया में भी आए और आखिरत में भी आए इस हदीसी मुबारक में उन उनफाजी मुबारक की तरफ चलते हैं कि अल्ला रब इर्शाद फरमाएगा और सोमली व अनाजी भी के रोज़ा जो है वह मेरे लिए है और इसकी जजा मैं दूंगा अगर कोई ये एतराज करे कि तमाम आमाल अल्लाह त लिए है फिर ये क्यों फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है इसके बारे में चंद तोजहत जो शेछ उत्तरीका, शेछ उत्तरीका, 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 कि शेख उतरीक़ा अल्लामा गुलाम रसूल सदी साहिब नवरुमर कद नबारी बुखारी में लिखते हैं कई वजूहत बयान फरमाते हैं सबसे पहला वजह यह है कि क्योंकि रोजा का सवाब बहुत ज्यादा है इसलिए फरमाया कि इसकी जजा मैं दूंगा यानी मेरे अलावा और कोई इतनी जजा नहीं दे सकता और बाकी इबादात की जजा फरिश्ते देते हैं उनकी जजा फरिश्तों को सौंप दी जाती है और सिर्फ रोजा ऐसी इबादत है जिसकी जजा खुद अल्लाह तता फरमाता है इसलिए फरमाया रोजा मेरे लिए है यानी रोजे में रिया और दिखावा नहीं होता जैसे दूसरे इबादात में होता है इसलिए फरमाया रोजा मेरे लिए है अल्लाह जल्ला शाह नू ने और इसकी दूसरी तवजी ये है कि ये इज़ाफ़त तशरीफ के लिए है यानि रोज़ा का शर्फ ये है कि अल्लाह अला जल्वाला शानू ने इसकी नस्बत अपनी तरफ की है ये इतना अजीम महीना है ये इतना अजीम इबादत है कि अल्लाह रब्ल ने उसकी नस्बत अपनी तरफ कर ली जैसे फरमाया नी ना, ना अल्लाह की ऊंटनी के तमाम आलम और जहान अल्लाह ताला का है लेकिन उस ऊंठनी की इज्जत अफजाई के लिए फरमाया अल्लाह ताला की तूठनी इसकी तीसरी तवजी यह है कि रोजादार काने पीने को छोड़ देता है और काने पीने से मुस्तगनी होना अल्लाह ताला की सिफ़त है बस रोजादार उस सिफ़त की वजह से अल्लाह के करीब हो जाता है अगरचे अल्लाह सिफ़त के कोई मुशाबा नहीं होता चौथी तवज़ी यह है कि खाने पीने से मुस्तगनी होना फरिश्तों की सिफत है और फरिश्ते अल्लाह ताला की बहुत करीब है इसलिए फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और उसकी पांचवी तवजी यह है कि दुनिया में मुख्तलिफ तरीकों से गैरुल्ला की इबादत की गई और उनको सजदा किया गया उनके लिए रुकू किया गया उनके लिए सदका किया गया उनको पुकारा गया लेकिन किसी महबूद के लिए रोजा नहीं रखा गया इसलिए फरमाया रोजा मेरे लिए है चट्टी तोीह यह है कि जिस शख्स के ऊपर बंदों के हकूक़ होंगे तो इबाद में उसकी दूसरी नेकियां दे दी जाएगी हद के सिर्फ रोज़ा रह जाएगा करीब था कि उसका रोज़ा भी किसी बंदे के हक में उसको दे दिया जाता उस वक़्त अल्लाह फरमाएगा रोजा मेरे लिए है यानी इसकी रोजे की इबादत को किसी को नहीं दी जाएगी हदीसी मुबारक में है इमामी बकी ने अपने सनत के साथ इसको रिवायत किया है और ईमान के अंदर यह हदीसी मुबारक मौजूद है कि एक शख्स ने सुफियान बिनुने से सवाल किया कि इस हदीस का क्या मतलब है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल वसल्लम ने अपने रब से रिवायत किया है कि इब्न आदम का हर अमल उसके लिए होता है मासिवा रोजे की क्योंकि रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा मैं दूंगा सूफियान इबन उ ने कहा कि यह बहुत और बहुत मस्हकम हदीसी मुबारक है क्योंकि जब क़्यामत का दिन होगा और अल्लाह ताला अपने बंदे से हिसाब लेगा और बंदों की हकूक़ में उसकी तमाम नेक आमाल दिए जाएंगे हती के सिर्फ़ रोज़ा बाकी रह जाएगा तो उस बंदे के ऊपर जो बंदों के हकूक़ बाकी होंगे उनको अल्लाह अपनी तरफ से अदा कर देगा और रोजा की वजह से उसको जन्नत में दाखिल कर देगा और यह इस हदीस का माना है कि अल्लाह फरमाएगा रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा मैं खुद दूंगा यह उस हदीस मुबारक की तारीफ है जो कि सुफियान इबनार रद्ला उन्होंने बयान किया सातवी तवजीह यह है कि इसके रोज़ा की सवाब की मकदार और इसकी नेकियों के दुगने चुगने होने को सिर्फ मैं जानता हूँ और बाकी इबादत पर दूसरे लोग भी मतलब हो जाते हैं आलम कुरतुबी ने कहा कि इसका माना यह है कि दूसरे अमाल के सवाब की मकदार पर लोगों बाखबर होते हैं कि उनका सवाब दस से लेकर सात सौ गुना तक बढ़ाया जाता है मा सेवा रोज़ा के क्योंकि अल्लाह ताला तगैर किसी मकदार के तयन के इसका सवाब आता फरमाता है हदीसी मुबारक में है सईद अबू ताला अबूर तहुराबी है मोता इमाम मालिक ने किताब सम में इस हदीसी मुबारक नक़ल फरमाया है नबी करीम सल्ला वसम ने फरमाया उस की कसम जिसके कबदा वक़ुदरत में मेरी जान है रोज़ादार की मुँह की बू दरूर अल्लाह त नज़दीक मुश्क के खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है वो अपनी शहवत और अपने काने और अपने पीने को सिर्फ मेरी वजह से छोड़ता है बस रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा मैं ही दूंगा हर नेकी का अजर दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक है सिवा रोजा के पस वो मेरे लिए है और मैं उसकी जजा दूंगा इस हदीस का माना यह है कि मैं रोजे के जजा किसी तयन के पगैर बहुत ज्यादा दूंगा और ये इस तरह है जैसे कि अल्लाह ने फरमाया अलाजिला फरमायाबिर हिसाब सिर्फ सबर करने वालों को ही उनका पूरा पूरा बेहिसाब अजर दिया जाएगा और अक्सर मुफसरीन के नजदीक इस आयत में सबर करने वालों से मुराद रोजा रखने वाले हैं। हजरत इस माना की तइद इस हदीसी मुबारक से भी होता है अलमोजम अवसत के अंदर यह रिवायत नकल है इसी तरीके से मजमुजवाद में भी यह हदीसी मुबारक ज़िक्र है फतहबारी के अंदर भी ये रिवायती मुबारका ज़िक्र हैजरत अब्दुल्लाबन अमर रदी तन बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लाम ने फरमायामल सात है दो आमल वाजिब करने वाले है और दो आमल उनकी मिसल है एक अमल वह है जिसका अजर दस गुना है एक अमल वो है जिसका अजर सात सौ गुना है और एक अमल वो है जिसके अमल करने वाले के सवाब को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता रहे वो दो अमल जो वाजिब करने वाले हैं तो जिसने अल्लाह जल्वाला शाह नू से इस हाल में मुलाकात की कि वो इखलास के साथ उसकी इबादत करता था और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता था उसके लिए जन्नत वाजिब है यानी वाजिब करने वाले अमल और जिसने अल्लाह अला से इस हाल में मुलाकात की कि वो उसके साथ किसी शरीक नहीं बनाता था शरीक नहीं ठहराता था या जो वाजिब करने वाला है जिसने अल्लाह से इस हाल में मुलाकात की कि वो उसके साथ किसी को शरीक बनाता था दुनिया में शरीक टहराता था दुनिया में अल्लाह जल्ला शाह का की तरफ से उसके लिए दो जख वाजिब है ये दो अमल ऐसे हैं जो वाजिब करने वाले हैं, और जिसने बुराई की उसको बदला दिया जाएगा और जिसने नेकी की इरादा किया और फिर उसको नहीं किया उसको नेकी की मिसल बदला दिया जाएगा और जिसने नेकी की उसको दस गुना अज़र दिया जाएगा और जिसने अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च किया उसको एक दिरहम खर्च करने पर सात सौ दिरहम और एक दिनार खर्च करने पर सात सौ दिनार दिए जाएंगे और रोजा वो अमल है कि उसके सवाब की मकदार को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता यानी रोजे की बहुत बड़ी फकीलत है आजमत है शान है ये उन तवज़ीहात में से एक तोह ये भी थी आठवीं तोजह यह है कि रोजे का अमल जाहिर नहीं है कि करा किरामन कातिबीन उसको लिख ले इसलिए रोजा को सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है और वही उसका अजर अता फरमाएगा इसलिए फरमाया रोजा मेरे लिए ये है नवी तोजह यह है कि रोजा का अमल खालिस अल्लाह का अल्लाह ताला के लिए है बंदा का उसमें कोई हिस्सा नहीं है और हिस्से से मुराद यह है कि रोजा के अमल को देख कर कोई रोजादार की तारीफ नहीं करता और बाकी इबादात को देख कर लोग उन इबादत की तारीफ करते हैं और दसवीं तोजीह यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया रोजा मेरे लिए है इसका माना यह है कि रोजा मुझे तमाम इबादत से ज्यादा महबूब है और ये मेरे नज़दीक तमाम इबादत पर मुकदम है हदीसी मुबारक में सुनसई में हजरत अबू उमामा रद्ल तुम बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लास के पास में आया और मैंने कहा मुझको ऐसे चीज का हुक्म दे जिस पर मैं आपकी तरफ से अमल करूं तो आप सल्लाम ने फरमाया तुम रोज़ा रखो क्योंकि उसकी कोई मिसल नहीं है सिंधी ने कहा इससे मुराद ये है कि शहवत को तोड़ने में और नफ्स अमारा और शैतान को दफा करने में इसके कोई मिसल नहीं है या हसूली तकवा में और सवाब में इसके कोई मिसल नहीं है इसका माना ये है सामीन मुहतरम नाजीर न कराम ये तकरीबन दस तवजी मुहदसिन कराम रलान तलीम अजमाइन ने बयान फरमाई है इन शह तजी इस हदीसी मुबारक की तोजीहत हाँ, मज़ीद इस हदीसी मुबारक के बारे में जो मुदसिन और शार्क ने मुबारक इरशादा फरमाए हैं इन शी उसको जिक्र करेंगे और अल्लाह अल्लाजल्आला शाह नमें माह रमदानबारक की खैरत और बरकात नसीब फरमाए अल्लाम आलकम वरम तबरक हो व मकफ़ रत हूँ वर। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं फिर बाद में आते हैं